थैंक यू। सो पहले आज हम देख रहे काफी माहौल गर्मा गर्मी का है, क्या हो गया? गर्मा गर्मी का माहौल हो गया क्योंकि आप देख ही रहे हैं कई सारे एपिसोड्स में हमारी बीबी ने हमको धोखा दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिला एक मर्द को और बहुत सारी बातें सुनने को भी मिली है। तो जब ऐसा होता तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, बवाल हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना प्यारा रिश्ता था, आज कुछ गलत फहमी की वजह से, कुछ सच्चाई सामने की आने की वजह से जो दरार पड़ी है? सी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट अगर हम फॉलो करें तो प्रिया का और अभिमन्यु का जो रिलेशन है वो बहुत ही सबमिसिव सा था पहले, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली अभिमन्यु वाज ऑलवेज इन लव विद प्रिया, लेकिन प्रिया को बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चाहिए थी लाइफ से, उसको काम करना था, वो इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन उसको ना कभी कुछ करने दिया नहीं गया, तो वो सारी चीज़ें ना वो डेवलप हो के वो प्रिया को उसने एक तरह से लेकिन से कि नेगेटिव तो नहीं बट वो आम जिंदगी में भी होता है ना, किसी को आप पूरा टाइम मना करते रहो कि नहीं भाई तू नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा तो वो इरिटेट हो जाते हैं, तो प्रिया हैज बिकम दैट इरिटेटेड कैरेक्टर, यू नो, शी वांट्स समथिंग फ्रॉम लाइफ एंड शी इज नॉट गेटिंग इट, और अभी भी अपने काम में बिजी हो गया तो प्रिया ने एक्साइटमेंट कहीं और ढूंढी और वो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो हावी हो गया हमारी पूरी फैमिली पे। यस, सो नाउ द थिंग्स हैव कम आउट एंड बट अब प्रिया को रिग्रेट हो रहा है कि नहीं? या ऑफ कोर्स, नाउ प्रिया इज लाइक रिग्रेटिंग बिग टाइम एंड दैट्स व्हाई इतना रोना धोना अंदर चल रहा है वो, बट अगेन प्रिया, बट इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट। हां मतलब तो प्रिया शी इज नॉट रॉन्ग ऑन हर पार्ट, बट तो बेसिकली ऐसे जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम गलत नहीं है, यू नो, ये सारी धारणा रहती है उनकी। ऑडियंस बताएगी सही है या गलत, ऑडियंस तो पूरी स्टोरी देख रहे हैं, हम तो हमारे मारे सीन्स पढ़ के बता देते हैं क्या चल रहा है प्रिया के माइंड। ऑडियंस बताएगी कितना सही है, मैं मैंने टाइम स्टोरी के हिसाब से भी अभी मनी मनी हैज रिलेशनशिप एंड हैज बीन वेरी यू नो स्वीट एंड सार काइंड ऑफ अ थिंग, कि कभी दोस्त है कभी दुश्मन है टाइप्स। नहीं बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, चाहे कितनी लड़ाई हो कुछ भी हो ये उसका सोल्यूशन कभी नहीं होगा, आप अपने पार्टनर को चीट करिए कभी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। वी आर जस्ट डूइंग अ पार्ट, तो हम तो खुश है अपना काम करके, हम एक्टिंग कर रहे हैं, आप उसको सीरियसली मत लेना। इवन आई एग्री विद दैट, अभी यू नो हमने आपके कैरेक्टर्स को देखा है कि बहुत ही पेशेंटली हर चीज हैंडल करते, लेकिन यहाँ पे हाथ उठाना, वायलेंस हो जाना, प्लेट फोड़ना, ये सब क्या था? तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ऑल ऑफ सडन आई ऐसे प्रिया के साथ में रह रहे की सीन क्या है, कुछ इज अंडर प्रिया शैडो, होता ना कभी कोई प्रिया इतनी प्लेट्स तोड़ती रहती है, आज उसने भी कोई आदमी बहुत शांत शांत होता है अंदर का ज्वालामुखी फटता है एक बार वो फटा है और वो शांति नहीं हो रहा, पर यही सारी चीजें यू नो एक्चुअली हमारा शो दिखाना चाह रहा है कि जो भी एक इंसान है, एक गाय है, आप उसको आपको गाय है यू नो इज लाइक काउ एंड वो बहुत शांत है बहुत शांत है, लेकिन आप इंस्टिगेट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो कभी तो फटेगा इंसान, यू नो दैट वे, एंड सेम वे विद प्रिया, आप उसको दबाते जाओगे दबाते जाओगे दबाते जाओगे तो कभी ना कभी तो फटेगी ना, तो ये हम ये बता रहे हैं कि अति जो होती है ना वो हर चीज की बुरी होती है, यू नो यू हैव टू बी लिटिल लिबरेटेड एंड यू हाँ लिबर्टी थोड़ी देनी चाहिए कि यू नो यू शुड बी अ लिटिल ईजी ऑन पीपल, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं चल सकते हैं, ये एक मैसेज है मेरे ख्याल से इस चीज़ का कि यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबॉडी इन अ सर्टेन वे कि आप उसको हर चीज़ के लिए ही मना कर दो, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस के लिए कितनी बड़ी बात है सीखने को, मतलब आप रिलेशनशिप में हो आज गांधी के साथ हो तो आपको सीखने को मिलेगा कि हम